हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडो टिबेट बॉर्डर पुलिस फोर्स के ITBP का एक न्यू वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रहा है आपका रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर का वैकेंसी है, जो कि लगातार ITBP की तरफ से काफ़ी वैकेंसी निकल चुका है। और ये वैकेंसी है एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर के लिए, जो कि हेड कांस्टेबल के लिए ग्रुप सी नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी अभी जो ये नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसका फुल नोटिफिकेशन अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, शॉर्ट नोटिफिकेशन भी नहीं दिखेगा। कुछ दिनों के बाद जब फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, उस समय ही आपको फुल नोटिफिकेशन उससे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। आपको डेट भी बताऊंगा कौन कौन अप्लाई करेगा, पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉन गैजेटेड ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल फोर का सैलरी है 25,500 से 81,100 7CPC के तहत यहाँ पे आपको देने वाला है। वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 23 वैकेंसी रखा गया है। तो ये 23 वैकेंसी में से यहाँ पे मेल और फीमेल का अलग अलग है। मेल कैंडिडेट के लिए 11 वैकेंसी अनरिजर्व में, फीमेल के लिए 2 वैकेंसी अनरिजर्व में। EWS के लिए 2 वैकेंसी है मेल कैंडिडेट और फीमेल के लिए 0 है। OBC में 3 वैकेंसी है, फीमेल में 0 है। SC कैंडिडेट में SC में 4 वैकेंसी है आपका मेल कैंडिडेट, और यहाँ पे फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है आपका SC कैटेगरी में। ओवरऑल देखा जाए तो 3 वैकेंसी फीमेल के लिए, 20 वैकेंसी मेल के लिए, टोटल 23 वैकेंसी है। इसमें बोला गया है कि 10% आर रिज़र्व फॉर एक सर्विसमैन के लिए इसमें 10% वैकेंसी रिज़र्व किया गया है। और इसमें बोला गया है कि आपका जो अप्लीकेशन फ़ीस लगेगा, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, तो 100 रुपीज़ यहाँ पर लगने वाला है। यहाँ पे किसका लगेगा, यहाँ पे सिर्फ SC और ST कैंडिडेट को छोड़ के, एक सर्विसमैन को छोड़ के, बाकी जितने भी कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट को छोड़कर, जितने भी बॉयज़ कैंडिडेट है जिसका OBC EWS और यहाँ पे जनरल कैंडिडेट में आते हैं जनरल कैटेगरी में, तो उनको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा ऑनलाइन। फॉर्म भरने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और बात है कि इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे जैसे कि हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर के लिए 20 से लेकर 25 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी SC के लिए और ST के लिए 5 साल का छूट है, यानी 20 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट। और उसके बाद OBC के लिए 20 साल से लेकर 28 साल तक के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रखा गया है। आपका जो एज है 11 नवंबर 2022 से तक का आपका एज 20 साल, और उसके बाद यहाँ पे 25 साल के अंदर तक इतना डेट तक आपका होना चाहिए। अब मेन बात है यहाँ पे एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर दिस पोस्ट। आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विथ साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। मतलब इसमें आपका डिग्री जो आप किए होंगे, BSc किए होंगे, या आप सॉरी BA वगैरह किए होंगे, तो उसमें आपको साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिससे काफ़ी लोग ऑनर्स वगैरह करते हैं, या एक सब्जेक्ट जरूर रखते हैं। तो आपका डिग्री जो भी है 3 साल का, उसमें आपका साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होगा, तो आप भर सकते हैं। या तो बोला है कि डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब जो बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब होता है कि आपका एजुकेशन एक होता है BEd किया हुआ कैंडिडेट, बैचलर ऑफ टीचिंग और इक्विवेलेंट। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो कैंडिडेट डिग्री के बाद, यानी आप BA किए होंगे, चाहे BSc किए होंगे, चाहे BCom किए होंगे, तो मतलब इसमें आप BA BSc जो भी किए होंगे, उसके बाद अगर आप BEd किए होंगे 2 साल का, या DLED किए होंगे, DLED डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन में होता है, DLED 6 महीने या साल भर का होता है, वो किए होंगे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो और भी कुछ डिटेल्स है, जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक अप्लाई होना चाहिए। तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई कहाँ से करना है, तो www.requirement.itbppolice.nic.in पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो इसमें क्या क्या, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे बोला है कि द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होगा, PET के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड यानी PST होगा, PST के बाद रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डिटेल मेडिकल होगा, तब रीमेडिकल होगा। मतलब इसका फर्स्ट में आपका फिजिकल एफिशिएंसी, PST, तब रिटन, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, ये सब सीरीज़ है आपका
इसमें सिलेक्शन होने का। बात है कि कब से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 13 अक्टूबर से लेकर यहाँ पे आप 11 नवंबर तक यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। तो 13 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक आप फॉर्म को डाल सकते हैं। इसका फुल नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर से पहले आपको ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा। तो यही था इन्फॉर्मेशन जो कि आईटीबीपी से रिलेटेड था, न्यू वैकेंसी। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशन है, सब मैं ए टू जेड आपको बता दिया। जैसे ही आप फुल नोटिफिकेशन आता है तो उसमें भी मैं पूरे डिटेल में आपको गाइड कर दूंगा जब इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।